दबंगों ने पूर्व प्रधान के पक्के दलान को किया जमींदोज। बता दें कि रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सहरा के पूर्व प्रधान पति तेज बहादुर पटेल का पक्का दलान को गांव के ही कुछ दबंगों ने रात को गिरा दिया। पूर्व प्रधान पति तेज बहादुर पटेल ने बताया कि हम लोग रात को पाही पर रहते हैं कि रात को 10-12 की संख्या में गांव के ही कुछ लोगों ने वर्षों से बने मेरे पक्के दलान को गिरा दिया, जिसमें बाइक सहित लाखों रुपए का सामान नुकसान हुआ। पूर्व प्रधानपति ने बताया कि जब मैं पहुंचा तो 4 से 5 लोगों को पहचान गया, पुलिस को सूचना दिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्व प्रधानपति तेज बहादुर पटेल ने बताया कि जिस दलान को गिराया गया है उस पर मुकदमा पहले से ही चल रहा है, न्यायालय में अभी विचाराधीन है। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व प्रधानपति तेज बहादुर पटेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेज बहादुर पटेल, पूर्व प्रधानपति। कौन सा गांव? सेहरा ग्राम। ये क्या मामला है? ये मामला सर, मेरा मकान बना हुआ था दलान टाइप में जी, और रात को मेरे पड़ोसी द्वारा और इस मकान को गिराया गया और अज्ञान 10-15 लोगों द्वारा। इसमें सब ये कैसे मालूम पड़ा आपको? क्या यहाँ आप नहीं थे? मतलब अब हम लोग तो जैसे दिन भर रहते थे यहाँ, रात में तो अपने पाहीपुरिया मकान बनाए वहाँ पर चले जाते थे। अच्छा, यहाँ पर रात नहीं रहते? नहीं रहते थे। तो फिर कैसे मालूम पड़ा? मालूम पड़ा मतलब जैसे नाच हो रही थी, 14 उठा था, अम्बेडकर जयंती थी, यहाँ बगल में नाच हो रही थी। अच्छा। और मैं मुझे उठा शंका हुई तो मैं नाच देखने के लिए सोचा कि चलो थोड़ा नाच देख ले गांव में। तो मैं जब आया तो देख रहा हूँ तो यहाँ मेरा मकान मतलब गिर रहा है और उधर बगल में नाच हो रही थी, तो मुझे मकान का अच्छा नाच का अच्छा नहीं लगा। मैं आके देखा तो यहाँ 5-6 लोग वर्तमान में उसको उखाड़ रहे थे। अच्छा। और अगर मैं वहाँ पर बोलता तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता था। मैं वहाँ पर अवगत नहीं कराया, मैं सोचा कि चलो 100 नंबर पर फ़ोन कर दें, तो 100 नंबर पर फ़ोन लगा, लेकिन इतनी आवाज़ तेज थी लाउड स्पीकर की, उसमें बातचीत नहीं हो पाई। फिर मुझे मजबूरन मैं थाने पर जाना पड़ा। क्या मतलब क्या नुकसान हुआ होगा? नुकसान इसमें लाखों की संपत्ति थी, गाड़ी घोड़ा वर्तमान में जो कपड़ा है, चारपाई, तख्ता, कुर्सी, मेज, मशीन, ये सब सामान आपका क्षतिग्रस्त हुआ इसमें है। कितना उठा ले गए और पूरे आपके दलान को भी क्षतिग्रस्त कर दिए। तो क्या कोई पुरानी रंजिश रही या किस कारण? नहीं, पुरानी रंजिश कोई नहीं रही, इसमें विचाराधीन जैसे न्यायालय चल रहा है, इसमें न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा। हाँ, हमारा पुस्तैनी नहीं, जैसे बाप दादाओं की बकरी हुई चीज़ है। अच्छा। और पूरे गांव जान रहा है, बगल के से मतलब न्यायालय चल रहा है और न्यायालय के आदेश के अनुसार हम अपना जो भी निर्णय होगा वो तो हम लोग करते। लेकिन अच्छा, अभी ये न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा? हाँ, कौन कौन थे, कुछ लोगों को देखा है आपने? हाँ, हमने देखा है 5-4 लोगों को, जिसमें आल्हा सीताराम पटेल, परशुराम सीताराम पटेल, विनोद कुमार आल्हा और रवि पटेल, उदल प्रसाद पटेल। इन लोगों को आपने देखा था? इन लोगों को हमने देखा, इसके उपरांत अज्ञात लोग भी थे इसमें। इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने रात में आई और एक लोग को लेके गई, और इसके बाद अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी कोई बात ही नहीं हुई।